हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीवन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक ये है कि आज हम बात करेंगे आप थंबनेल अच्छे तरीके से कैसे लगा सकते हैं और सही तरीका क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 2022 में तो आप सभी को पता है कि थंबनेल क्या है, कैसे लगाते हैं, सब कुछ पता है। लेकिन आज ऐसा ऐसा पॉइंट मैं बताऊंगा जो आप मानोगे कि हाँ थोड़ा बहुत हम लोग गलती करते हैं। तो मेरा बोलने का यही ये मतलब है कि आप अच्छे तरीके से लगाओ, आपका भी चैनल ग्रो करो। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं तो अभी देखना जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर लोग हैं उनका देखना थंबनेल पूरा HD क्वालिटी में दिखता है। क्यों पता है? उनका एक ही रीजन है, उन लोग अभी PC में बनाते हैं। उनका प्रीवियस वीडियो देखना, वो जब मोबाइल में बनाते थे वही हम लोग का जितना क्वालिटी आता था उतना ही क्वालिटी। तो आप भी मत सोचो कि हम लोग उतना क्वालिटी नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसा आप मत सोचो। आप अपने थंबनेल को बनाते रहो और आज मैं बताऊंगा एक्चुअल में कि आप अपने क्वालिटी मोबाइल से ही पूरा उतना क्वालिटी दे सकते हैं। उतना तो नहीं लेकिन पूरा जितना क्वालिटी रेजुलेशन रहना चाहिए मोबाइल से तो आप दे सकते हैं। तो उसका पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, कैसे हो सकता है। तो आपको पहली बात, तो आप जिसमें भी एडिट करते हैं, मेरा प्रेफर है आप पिक्सल में एडिट करना। एडिट करने से उसमें क्या होता है, उसमें रेजुलेशन का दिया रहता है कि वेरी हाई, वेरी लो, ऐसा। तो लास्ट में अल्ट्रा करके एक ऑप्शन दिया रहता है, उसे करना और सेव टू गैलरी कर देना। तो उसमें क्या होता है, उसमें जितना क्वालिटी मतलब आप एडिट किए हो ना तो उतना क्वालिटी में एक्सपोर्ट भी होता है। आप देखना हर कोई डेस्कटॉप मोड में जाके वीडियो छोड़ते हैं। वीडियो छोड़ना अच्छी बात है वहीं पे, क्योंकि उसमें देखना HD में पहले अपलोड होता है फिर HD में होता है, HD प्रोसेसिंग लेता है। देखना नीचे देखना HD में, मैं साइड में भी दे दूंगा जो मैं बोल रहा हूँ। देखना HD होता है फिर HD होता है, तो वो सही बात है। लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो, डेस्कटॉप मोड में वीडियो अपलोड करने उसमें जो बताता है कि यहाँ पे थंबनेल दो तो वहीं पे अपलोड कर देते हो थंबनेल अपलोड करके सारा प्रोसेस करके फिर पब्लिक कर देते हो। लेकिन ठीक है वो बात, लेकिन उसमें ना क्या होता है, उसका जो थंबनेल का रेजुलेशन होता है वो कम हो जाता है, कंप्रेस कर देता है YouTube का एल्गोरिथम है, वो कंप्रेस कर देता है। तो उसमें थोड़ा फटाफटा हुआ रहता है। तो आज कैसे करना, आप वीडियो डेस्कटॉप मोड से जाके छोड़ना है लेकिन आप थंबनेल लगाना आके YT स्टूडियो में। तो दोनों का मैं कंपैरिजन बताऊंगा अभी। तो बाकी का प्रोसेस कैसे करेंगे, जो पहले डेस्कटॉप वाला कैसे होता है और YT के लगाने के बाद कैसे होता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। तो मोबाइल में जाता हूँ अच्छे तरीके से बताने के लिए, तो चलिए मोबाइल पे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको पहले चले आना क्रोम पे। क्रोम पे आने के बाद आप अपने चैनल को डेस्कटॉप मोड में खोल लेना। डेस्कटॉप मोड में जब खोल लेते हो, खोलने के बाद आपको चले आना है जो मैं पहले बता रहा था कि आप अपने डेस्कटॉप मोड से अगर वीडियो अपलोड करते हो तो उससे मतलब अच्छा रेजुलेशन उसका फटता नहीं है और अच्छा रेजुलेशन रहता है, क्योंकि HD में पहले होता है फिर HD में होता है। तो मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ अभी अपलोड एक जो मेरा वीडियो है दिखाने के लिए। तो जैसे कि ये वीडियो मेरा अपलोड हो रहा है तो आप देख सकते हैं, ये नीचे देख सकते हैं ये जो अपलोडिंग हो रहा है यहाँ पे, देखना अभी देखो HD में हो रहा है और थोड़ी देर के बाद जब ये 100 हो जाएगा उसके बाद ये HD में होता है। HD में होना उसका रेजुलेशन ठीक रहता है और यहाँ से थंबनेल लगाने से फटता है। तो दिखा रहा हूँ कैसे, मान लो मैं यहाँ से थंबनेल लगाया तो मैं चले आया और एक थंबनेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास होगा मान लो ये वाला, नहीं ये तो मैं दिया हूँ, ये मान लो ये लगा लिया। और ये लगाने के बाद यार देख 100 हो गया, 100 होने के बाद अपलोडिंग दिखा रहा है HD में, अभी दिखा रहा है देखो। थोड़ी देर बाद यहाँ पे देखना HD में होता है। वो वीडियो के लिए वो सही है, वीडियो के लिए वो रहना ठीक है, उसका रेजुलेशन नहीं फटता है। लेकिन ये थंबनेल के लिए आप जितना क्वालिटी में इसमें थंबनेल एक्सपोर्ट किया हूँ वो क्वालिटी अच्छा है, लेकिन यूट्यूब ये इसको कंप्रेस कर देगा। अभी देखना तो ये अभी मैं पब्लिश कर लेता हूँ, पब्लिश तो नहीं करूँगा, प्राइवेट ही अनलिस्ट कर लेता हूँ और ये सेव करने के बाद आपको चले आना है अपने YT पे। YT पे आने के बाद अपना देखना रेजुलेशन, देखो अभी ये वीडियो है तो इसका रेजुलेशन देखो अभी
उतना अच्छा नहीं है, फट रहा है। आप देख सकते हैं, पूरा देख सकते हैं कि फट रहा है। जितना रेजोल्यूशन अभी मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में लगा कि अगर वाइटी से लगाते हो तो उसका रेजोल्यूशन कैसे रहता है। तो अभी मैं गया ये थ्री जो पेन वाला आइकन रहता है वहां पे, जाने के बाद फिर चेंज करूंगा, चेंज जाके वही सिलेक्ट करके डन कर देता हूँ। तो डन करने बाद सेव, सेव करने के बाद आपको फिर चले आना ऐसे, वापस चले आना बैक करके और फिर टैप करके, फिर अभी दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं अभी उसका क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। आपको पता नहीं चल रहा है मोबाइल का, आप फुल रेजुलेशन बढ़ा के देखोगे वीडियो का तो पता चलेगा, उसमें जितना था कंप्रेस्ड करने के बाद इसमें उससे थोड़ा ज़्यादा है। उतना तो नहीं है जितना दिखने में, जो गैलरी में दिखने में जितना शो करता है, लेकिन उससे ठीक ठाक है। आप उतना HD में रहता है तो ये सही तरीका है। तो आप भी ऐसे करो। वीडियो में तो दिखा दिया कि प्रोसेस कैसा करना है, कैसे वो करेंगे, आप दोनों का कंपेयर भी दिखा दिया कि वो डेस्कटॉप मोड में कैसा रहता है और वाइटी में। आपको भी पता है कि थंबनेल अगर अच्छा है तो इम्प्रेशन आता है, इम्प्रेशन आने से आपका व्यू भी बढ़ता है। तो आप भी ऐसी क्वालिटी बढ़ाते रहो। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और न्यू चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।